इंटरेस्ट टू अभी हम लोग चर्चा किए इंटरेस्ट क्या आता है इन आंसर ए इन की जगह टू की जगह इन हैज नो इंटरेस्ट इन ठीक आगे चला जाए देखें क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन कु नॉट कम टू द कॉलेज बिकॉज शीवा सफरिंग विथ कोल्ड फीवर क्या होगा सफरिंग फ्रॉम बचपन की बात है छोटी सी सामान्य सी बात है इसमें कोई हो गया तो यहां पर क्या होगा Suffering from fever with kijaga from right? you study for three hours every morning before going to school You study for three hours, every evening, before going to school. भाई तो यहां फॉर सेंस का प्रयोग तब होता है जब परफेक्ट टेंस होता है आई स्टडी थ्री आवर्स एवरी डे आई वर्क फाइव आवर्स एवरी डे आई वर्क नाइन आवर्स लास्ट वीक यहां पर इस फॉर की जरूरत नहीं है आंसर ए क्या होगा यू स्टडी थ्री आवर्स एवरी इवनिंग बिफोर गोइंग टू स्कूल है ना फॉर की जरूरत वहां पर नहीं है बोलो साहब देखो राम वॉज एक्यूज अभी इन लोगों को पढ़ा अभी आपको नेरेशन पढ़ा रहे हैं अभी ताजा ताजा क्या लिखाए थे अक्यूज ऑफ एपोलॉजाइज फॉर आवाज नहीं आ रही है आ? तो यहां पर अक्यूज फॉर के अक्यूज ऑफ आंसर बी देखते रहिए राम वॉज अक्यूज ऑफ वैरियस ऑफेंसेज कमिटेड बाय हिम आंसर बी ऑफ की जगह फॉर होना सॉरी फॉर की जगह ऑफ होना चाहिए क्लियर है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ये देखो वेनेवर यू विजिट डैली मस्ट टेक parents पेरेंट्स विथ यू क्या गलती है हा? बोलो Whenever यू विजिट डेली जब भी आप दिल्ली आए यू मस्ट टेक योर पेरेंट्स विथ यू ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक जब भी दिल्ली आओ तो अपने माता पिता को अपने साथ लेकर आना ठीक है टेक विथ लेके जाना आई ना? अपने साथ लेकर आना जो है ठीक है सॉरी oh, ये ओके देखें जरा ही विल बी लिविंग टूडे

ना क्यों एक्ट होगा गलती यहां है देखिए ध्यान से leave for होता है ये ससुरा यहां बीच में आके टांग फंसा दिया है थोड़ा सा कॉमन सेंस वाले भी सवाल आते हैं है ना ही विल बी लिविंग फॉर डेली टूडे साहब यहां आने चाहिए और यहां आना चाहिए लीव फॉर मतलब लिविंग टूडे फॉर का क्या मतलब है ही ल बी लिविंग फॉर डेली टूडे तो देखो अब विल बी लिविंग तो फिर यहां पर टूडे क्या कर रहा है ही इज लिविंग टूडे होना चाहिए है ना तो और बाकी ऑन योर सक्सेस एट योर सक्सेस नहीं ऑन योर सक्सेस ऑन ही होगा ठीक है हाँ देखो योरिंग हर टूर टू द साउथ सी विजिटेड नॉट ओनली शिमला बट ऑल्सो टू चेन्नई ding 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 ah kya hai सेम पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए तो विजिट के साथ टू का आई विल बिज सी साउथ सी विजिटेड हाँ तो आई विजिटेड शिमला बट आल्सो टू चेन्नई जब आप विजिट का प्रयोग कर रहे हैं कि ठीक तो आप कह रहे हैं कि वहां पे टू न्यास कि ड्यूरिंग हर टूअ टू द साउथ सी विजिटेड नॉट ओनली टू शिमला बट ऑल्सो टू चेन्नई तो जाने का सेंस है ना विजिट मतलब पहुंचना यहां पर विजिट आई आई विजिटेड देर मतलब तो पहुंच गया एंड आई वॉन्ट टू विजिट टू का मतलब वहां का टूर करना तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि यहां भाई क्या आ गया है नॉट ओनली बट ऑल्सो आ गया है ना दोनों तरफ सेम पार्ट ऑफ स्पीच वहां चाहिए ना तो यहां टू का प्रयोग हुआ है तो यहां भी टू का प्रयोग होना चाहिए ठीक है बोले राम सोल्ड द फर्नीचर ऑन अ गुड प्राइस एट अ गुड प्राइस आंसर सी ऑन की जगह एट एट अ गुड प्राइस राम ने अच्छी कीमत पर बेच दिया उसको ही हैज गॉन टू हिज नेटिव प्लेस विद द इंटेंशन फॉर स्टार्टिंग अ शॉप ऑफिस लेज फॉर हिज विलेज इंटेंशन फॉर नी इंटेंशन ऑफ क्या नहीं बोल रहे हैं ही gone गॉन टू हिज नेटिव प्लेस विद द इंटेंशन ऑफ स्टार्टिंग आंसर सी और की जगह ऑफ इंटेंसन ऑफ फॉर नी हो गया देखें जरा ट्वेंटी फोर हर पेरेंट्स प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एक्सेप्टिंग द वेडिंग इन्विटेशन आंसर सी प्रिवेंट फ्रॉम होता है इन नहीं होता है यहां पर क्या होना चाहिए ठीक है द चीफ मैनेजर हैज डिसाइडेड टू विजिट ऑल द ऑफिस ऑफ द फैक्ट्री टुमोरो मॉर्निंग टू रिव्यू सिचुएशन ठीक है क्या समस्या है रिव्यू के बाद यहां ऑफ की जरूरत नहीं है टू रिव्यू द सिचुएशन रिव्यू ऑफ नहीं वी वांट टू रिव्यू द कमिटी द पैनल द सिचुएशन ठीक है ऑफ नहीं रहेगा सी होप्ड नेक्स्ट शी होप्ड टू फिनिश द पेपर वर्क इन लास्ट वीक बट इन फैक्ट सी कुडेंट डू इट अच्छा आप लोग दम जैसे पैसे बॉइस में बैठे हुए हैं कुछ भूमिका निभाई है लगे कि आप भी बिजी हैं क्या गलती है इसमें सी क्या गलत है सी में आ, मौन क्या गलत है इसमें बताओ आ? इसमें कोई गलती है का, हैं? ये क्या दिखाता है ये दिखाता है कि स्कूल में पीटीएम होता है ना वैसे आपका भी पीटीएम चाहिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग और हो जाने के बाद ना के घर जाना पड़ेगा सिंपल सी बात है कि पता नहीं आप कर क्या रहे हैं ना आप मतलब रिवीजन कर रहे हैं ना पढ़ रहे हैं आपको मोटे मोटे अक्षरों में लिखाया गया था It was mentioned that when a noun or noun phrase or time expression like week, day, year, morning, evening is preceded by next, last, no preposition is used. Even the article the is also not used. So he came on Monday, but he came last Monday. I saw him. लास्ट वीक लास्ट मंथ लास्ट ईयर ही विल गो नेक्स्ट डे ही सी इज गोइंग नेक्स्ट मॉर्निंग इन नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं जैसे ही वीक मंथ ईयर आदि के पहले नेक्स्ट वीक नेक्स्ट लास्ट आदि लग जाता है तो किसी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है यहां पर इनका प्रयोग नहीं होता नहीं पढ़ाया है ना आवाज नहीं आ रही है खुलवाए कॉपी अभी और ये बार नहीं पढ़ाए हैं प्रेपोज़िशन में भी पढ़ाए हैं और एडवर्व में भी पढ़ाए हैं दो बार पढ़ाया गया है और ऐसे हम बोलते भी रहते हैं क्या होगा सी होप्ड टू फिनिश द पेपर वर्क ठीक है लास्ट वीक बट इनफैक्ट सी कूडेंट डू इट ठीक अब ये तो हो गया प्रपोजिशन की बात अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखा जाए तो आपको यही मैं कह रहा हूं कुछ याद नहीं यार आपको क्लेम करना चाहिए कि सर ये क्वेश्चन भी अटपटा है आपको मैंने जब हैव वर्ड पढ़ाया था एक रूल पढ़ाया था कि होप एक्सपेक्ट विश वॉन्ट आदि क्रियाओं का प्रयोग हम जब हैड के साथ करते हैं तो उसके बाद इंफिनिटिव आती है तो इसका मतलब होता है कि कोई विश कोई आशा कोई प्लानिंग पूरी नहीं हुई एग्जाम्पल था आई हैड होप्ड टू सी हर अगेन सी हैड वॉन्टेड टू बाय द कार ड एक्सपेक्टेड टू गो देर वी हैड एक्सपेक्टेड टू गो दियर का मतलब हम वहां नहीं जा पाए ही हैड वॉन्टेड टू का मतलब जो चाहता था नहीं हुआ आई हैड होप्ड टू का मतलब है जो इच्छा थी वो नहीं हुई और फिर मैंने आपको बताया था कि इन वाक्यों को आप पास्ट टेंस प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव से भी बना सकते हैं आई हैड एक्सपेक्टेड टू गो there को आप लिख सकते हैं आई एक्सपेक्टेड टू हैव gone there। सी हैड wished टू सी मी अगेन को आप लिख सकते हैं कि सी to टू हैव सीन मी अगेन ऑपिकोलाउ इस हिसाब से बेटा जी लोग ये सेंटेंस ही गलत है एरर में एरर है हे अल्लाह पढ़ाऊं में पाणे थी पढ़ाऊं में पाणे है ससुरा ये सेंटेंस वहां चीज था या तो कि सी हैड होप्ड टू फिनिश या सी होप्ड टू हैव फिनिश्ड सी होप्ड टू फिनिश का कोई मतलब ही नहीं है लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन पेपर प्रापोजिशन का आप देख लो क्वेश्चन बैंक वालों की क्या छात्र स्थिति है और क्वेश्चन बनाने वालों को भी अभी क्वेश्चन बैंक वाले ने गलत टाइप किया है कि पेपर सेटर वाले एक्सपर्ट खुदा बचाए हनुमान जी बचाए काली माई बचाए आप तैयार रहिएगा पर आप को देख रहे हैं हो सकता है अगले एग्जाम में यही दे दे कहे कि इसमें आयोग कहेगा ए में आप कहोगे वो कैसे भैया ये तो नो इसमें तो एरर इन था तो नियम याद रखिएगा पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए रे पढ़ाए ना तो याद कौन करेगा देखते ही आपके अंदर आ क्यों नहीं लग रही है इस टॉपिक के हिसाब से गलती यहां है कि इन नहीं होगा लास्ट नेक्स्ट आदि लगने के बाद इसका प्रयोग प्रिपोशन का प्रयोग इन ऑन का प्रयोग नहीं होता है. इन इस पूरे सेंटेंस में यह हिस्सा भी गलत है यहां क्या होना चाहिए या तो सी हैड होप्ड टू फिनिश या सी होप्ड टू हैव फिनिश्ड कॉपी खोलिएगा सब पढ़ाए हैं ठीक है चलिए थर्टी क्वेश्चन तक कर लिया जाए उसके बाद हम लोग तीस क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि या तो पच्चीस में रुक गए होते अब छब्बीस तक पहुंच गए तो तीन क्वेश्चन और कर लेते हैं है ना हाँ। पहले अपने आप गायब हो जाता था पता नहीं सेटिंग में क्या साहब लोग जो है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन आई हैव सर्स्ड ऑल रेलिवेंट बुक्स इन टू द ओल्ड लाइब्रेरी बिफोर राइटिंग दिस बुक आसान सवाल है क्या होगा इन द ओल्ड लाइब्रेरी इन टू क्या जरूरत है आंसर सी इन टू नई इन द ओल्ड लाइब्रेरी ठीक है एवरीबडी इज इंप्रेस्ड बाय हर जील एंड एथ एंथोजियाज एवरीबडी इज इंप्रेस्ड बाय हिज एंड एंथोजिया जोश और उत्साह तो तो है ठीक है इम्प्रेस्ड बाय कोई गलती नहीं इसमें Everybody is इज with विथ हर जील नहीं I am impressed by. बाय आई एम इम्प्रेस्ड you. ठीक है एक चीज हो सकता है कि जब person से हो तो बाय और किसी गुण से हो तो विथ ये मामला बन सकता है मी चेक इट एक मिनट क्या जो है बुराई है हाँ गलती करने से अच्छा है कि देख लिया जाए है ना यही एक मामला हो सकता है कि इंप्रेस्ट जैसे किसी के गुणों से आप प्रभावित होते हैं तो विथ और अगर किसी के व्यक्ति से प्रभावित होते हैं तो बाय ये एक मामला बन सकता है अदरवाइज में कोई गलती नहीं है विथ का प्रयोग का होगा देखिएगा देखिए इसमें नो इधर है ठीक है कोई गलती नहीं है इंप्रेस्ड विथ कब होगा ध्यान सुनिएगा जरा एवरी पैसिव में है एवरीबडी इज इंप्रेस्ड बाई हर जियल एंड एंथोजियाज्म बिल्कुल ठीक है हाँ इसको जब एक्टिव में लेके आओगे एक्टिव में इसलिए सवाल पूछा गया है जब मैं इसको एक्टिव में लिखूं क्वेश्चन आप देखिएगा एवरीबडी इज इंप्रेस्ड बाय हर जियल एंड एंथजियाज्म इसको मैं अगर एक्टिव में लेके आऊं तो लिखा जाएगा कि शी इंप्रेस्ड मैं उस सेंटेंस का एक्टिव लिख रहा हूं शी इंप्रेस्ड एवरीवन विथ ह एंड एंथियज क्लियर हुआ और ट्रिकी सवाल है जब यह एक्टिव में आएगा तो ये विथ हो जाएगा जब ये पैसिव में जाएगा अब इसका जब पैसिव बनाओगे क्या बनेगा कि एवरी वन अच्छा प्रेजेंट में है ना इसको प्रेजेंट में कर लिया जाए पहले वरना गंदी बात होगी जो सेंटेंस है उसी को रखा जाए तो क्या हो जाएगा सी इंप्रेसेज शी इंप्रेसेज एवरी वन प्रेजेंट में ना सी इंप्रेसिज एवरी वन विथ हर जियल एंड एंथम तो एवरी वन इज इंप्रेस्ड बाय हर जिल एंड Enthusiasm. ठीक है, सी ध्यान रखिएगा उसमें नो इधर है इंप्रेस विथ जब एक्टिव में होगा वह सबको प्रभावित करती है सबको प्रभावित करता है तो भी आएगा सब लोग उससे प्रभावित होते हैं तो बाय आएगा इज दैट क्लियर